गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माई चैनल। तो आज मैं आपके लिए एक नई न्यूज़ लेके आई हूँ। भाषा अध्यापकों की बैच वाइज भर्ती के इंटरव्यू 8 अक्टूबर से शुरू हो जाएंगे। विभाग ने टेट पास पात्र अभ्यर्थियों को भेजे कॉल लेटर, सभी प्रमाण पत्र लाना अनिवार्य। तो जो टेट पास स्टूडेंट्स हैं, जो बैच वाइज भर्ती होने जा रही है, उन्हें कॉल लेटर भेज दिए गए हैं और सभी को दूसरे प्रमाण पत्र लाना भी अनिवार्य है। भाषा अध्यापकों के 5 पदों के लिए बैच वाइज आधार पर टेट पास जिला के अभ्यर्थियों के साक्षात्कार 8 अक्टूबर को प्रारंभिक शिक्षा उपनिदेशक कार्यालय हमीरपुर में लिए जाएंगे। विभाग ने रोजगार कार्यालयों से प्राप्त सूचियों के अनुसार साक्षात्कार के लिए सभी पात्र अभ्यर्थियों को पत्र भेज दिए हैं। प्रार्थी किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या शिक्षण संस्था से बीए हिंदी, एमए हिंदी या बीएड तथा अध्यापक पात्रता परीक्षा पास होना चाहिए। मतलब इसके लिए टैट अनिवार्य है, आपका टैट क्लियर होना चाहिए। भाषा अध्यापक की भर्ती से संबंधित नियम प्रारंभिक शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। उपनिदेशक प्रारंभिक शिक्षा हमीरपुर बीके नड्डा ने बताया कि 5 पदों में से 2 पद सामान्य वर्ग के लिए होंगे, 2 अनुसूचित जाति वर्ग के लिए होंगे और 1 पद जो है वो ओबीसी आईआरडीपी के लिए आरक्षित है। सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के लिए वर्ष 1999 तक के बैच, अनुसूचित जाति के लिए 2000 तक और ओबीसी आईआरडीपी के उम्मीदवारों के लिए नवीनतम बैच के उम्मीदवारों को पत्र भेजे गए हैं। उन्होंने कहा कि साक्षात्कार के लिए बुलाए गए पात्र अभ्यर्थियों की सूची प्रारंभिक शिक्षा उपनिदेशक कार्यालय की वेबसाइट पर भी उपलब्ध करवा दी गई है। इसी वेबसाइट पर बायोडाटा फॉर्म भी अपलोड किया गया है। पात्र अभ्यर्थियों को यह बायोडाटा फॉर्म डाउनलोड करके भरना होगा। प्रार्थी बायोडाटा फॉर्म के साथ सभी प्रमाण पत्र कॉल लेटर में दर्शाए गए क्रम के अनुसार ही संकलन करें तथा कोविड-19 के दिशा निर्देशों को ध्यान में रखकर ही साक्षात्कार के लिए आएं।